अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब होपफुली सब ठीक ठाक होंगे खुश तो होंगे और मज़े से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम, हम भी बिल्कुल ठीक हैं तो यहाँ पर जो है नाश्ते का टाइम चल रहा है और शहीद को मैंने नाश्ता बना के दिया और कह रहा मामा मैंने जब तक तो चाय नहीं आएगी ना तो ये स्टार्ट नहीं करना सो so, इसको मैं बोल रही थी बेटा स्टार्ट कर दो तो चाय बस बन रही आइस बंद करो ऐसे आइस बंद करती हैडी बाहर निकालो हैंडी करो हैंडी और आइस बंद कर दोनो देख रही नहीं करनी वन मानो थी। कह रही थी कि ना आप फ़ैन्स साफ़ कर दें मैं साफ करती हूँ ना तो थोड़ा बहुत रह ही जाता है क्योंकि ये सीढ़ी के ऊपर चढ़ के ना मुझे लगता है मैं गिर जाऊँगी सो मैंने इनको बोला कि आप साफ़ कर दें तो इन्होंने जो चमका ही दिए बहुत बेहतरीन किस्म के साफ किए हैं और दोनों फैंस ना चमक गए हैं फ़ैंस तो चमक गए और लेकिन जो फ्लोर का हाल हुआ वो मैं आपको दिखा दूँ ये हाल यह फ्लोर की और अब मेरी टर्न है सफ़ाई करने की सो so, मैं इसको क्लीन करूँगी और ये संडे का व्लॉग है सो so, घर में बना मचा हुआ है उधम क्योंकि बच्चों ने अपने टॉयज वगैरह भी निकाले हुए हैं सो अब मेरा काम स्टार्ट हो गया मैंने सफाई वगैरह कर ली थी उस पर मैं फ्री हो गई थी तो शाम का टाइम है ये और बीच में मैंने व्लॉगिंग नहीं की शाम का टाइम है तो मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी चांप बिरयानी मटन चांप बिरयानी सो so, यहाँ पर जो है ना मैंने हाफ के जी मटन ले लिया है और सॉल्ट चाट मसाला रेड चिली पाउडर सूखा धनिया पाउडर और आ, एक टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है चार बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं दो बड़े साइज़ के प्याज साथ में एक दालचीनी का टुकड़ा बड़े साइज़ का दो बड़ी इलायचियाँ एक छोटी इलायची दस काली मिर्चें और दो बादियान के फूल और साथ में लहसुन अदरक लहसुन अदरक का आप सावर डाल दें और अदरक बाद में फिर आप निकाल दें जब कुक कर लें सो so, ये सब चीज़ें जाएंगी इसके अंदर एक चम्मच बिरयानी मसाला जाएगा और बस मैं इसको फिर कुकर कर दूँगी दूसरी साइड पर जो है ना मैंने कुकर कर चुकी हूँ सालन रेडी हो चुका है मैंने दूसरी साइड पर जो है पानी ले लिया है पानी आपने अच्छा खासा खुला लेना है जब चावल बॉयल करने हैं आपने पानी डालने में कंजूसी नहीं करनी क्योंकि हमने तो उसको स्टेन कर लेना है जितना ज़्यादा पानी होगा उतने अच्छे खिले हुए चावल बनेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे ज़ीरा डलेगा पुदीना डलेगा और आपने तकरीबन तीन पाव के करीब चावल हैं तो आप मैंने पाँच चम्मच ना बड़े टेबल स्पून वो डाल दिए हैं नमक के नमक तकरीबन ऐसा होना चाहिए चावलों में बिरयानी के टाइम बॉयल होते हैं कि आप चखें ना तो आपको ऐसे लगे समंदर का पानी है इतना तेज़ नमक होना चाहिए तो जो आप स्टेन कर लेंगे पानी ज़्यादा रखेंगे और इस्टेन कर लेंगे सो तो यहाँ पर जो है ना सालन ऑलमोस्ट और, रेडी हो चुका था और मैं चेक कर रही थी कि गोश्त गल गया या नहीं तो गोश्त में ना टेन परसेंट ज़रा कसर थी सो मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं और इनको टेन मिनट्स या फाइव मिनट्स ऑलमोस्ट फाइव मिनट्स के लिए मैं कुकर करूँगी और उसके बाद मिलते हैं ये को हो चुका है कुक ऑलमोस्ट अब मैं डालूँगी इसके अंदर ऑयल और इसकी भुनाई करूँगी अच्छे से भुनाई करने के बाद आपने इसकी ना हल्की सी ग्रेवी रहने देनी है क्योंकि दम के टाइम पर वो यूटिलाइज़ हो जाएगी लास्ट में आपने डालना है गरम मसाला पाउडर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और दैट्स इट ये आपका जो बिरयानी का जो है ना सालन रेडी हो चुका है और दम के टाइम पे मैं इसमें डालूँगी थोड़े से आलू बुखारे और इसको मैं हल्की आंच पे रख दूँगी ताकि ऑयल सारा इसका बाहर आ जाए मैंने कढ़ाई में चावल बॉईल किए हैं और उसके बाद जो है ना मैंने उसको स्टेन कर लिया है दूसरी साइड तो पर मैंने एक सालन जो है ना कढ़ाई में शिफ्ट करके और दही के अंदर कलर डाल कर ना जर्दा कलर उसको साइड्स पे बोटियाँ वगैरह करके आलू करके तो उसके ऊपर डाल दिया है सेंटर में नहीं डालना आपने दही साइड्स पर डाला है वहीं पर लेमन कट करके डाल देना है और आपने हरी मिर्च डाल देनी है आप देख रहे हैं ग्रेवी हल्की सी है और इसी ग्रेवी के अंदर जो है ना जो आपके राइस हैं वो हाफ को राइस मैंने लिए हैं वही तकरीबन गल जाएंगे अच्छा ट्वेंटी मिनट्स के लिए मैंने इसको दम दिया है और ये मज़ेदार किस्म की ज़बरदस्त सी बिरयानी रेडी है बहुत इजी बहुत मज़ेदार बनती है ऑयल की क्वांटिटी आप थोड़ी ज़्यादा कर लें जिससे ना आपके चावल बहुत ज़्यादा कलरफुल और खिले खिले बनते हैं और दूसरा ये कि शाइन बहुत अच्छी आती है जैसे बाज़ार वालों बिरयानी की में शाइन होती न, है ना वैसी शाइन आती है सो ये मिड नाइट ग्रेविंग है और यहाँ बन रहा है मिल्क शेक सबके लिए बना रही थी मैं क्योंकि ना आँ... खाना खाए भी काफ़ी, काफ़ी टाइम हो गया था और भूख लगी थी और आ, आपको तो पता है समर वेकेशन चल रही है, सब लेट सोते हैं सब लेट्स होते so, हैं सो यहाँ पर बन रहा है शेक बस यहीं तक था आज का ब्लॉग वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अल्लाह हाफिज़